देन वी डिस्कस अबाउट द क्यू वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं बीटा डीके में, और स्पेक्ट्रम कैसा मिलता है बीटा डीके का हमने वो डिस्कस किया था। फिर स्पेक्ट्रम में जो एनर्जी का कंसेप्ट है, कंजर्वेशन नहीं आ रहा था न्यूक्लियर रिएक्शन में बिफोर 1930, और मोमेंटम कंजर्वेशन भी नहीं हो रहा था, वो सब हमने कंसेप्ट वहाँ पे डिस्कस किए थे। आफ्टर डिस्कसिंग द होल कंसेप्ट वी डिस्कस द न्यू कंसेप्ट दैट विल बी पॉलीन्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। तो 1930 में न्यूट्रिनो का डिस्कवरी और उनका बताया था, दैट इज थियोरेटिकली। और एक्सपेरिमेंटली जो न्यूट्रिनो डिस्कवर किया गया बाय कोवेन एंड रनीज एक्सपेरिमेंट वो 1954 में, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। आफ्टर द डिस्कशन वी डिस्कस द टॉपिक पैरिटी, कि कंजर्वड है या नॉन कंजर्वड है। तो बीटा डीके में पैरिटी इज नॉन कंजर्व, तो कई बार ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पैरिटी कंजर्वड है या नॉन कंजर्वड है। तो आप वहाँ पर देख सकते हो कि पैरिटी कंजर्वेशन का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था। आफ्टर डिस्कसिंग दैट पैरिटी कंसेप्ट इज नॉन कंजर्वड, और ली एंड यांग ने दिया था 1956 और 1957 के आसपास, तो पैरिटी इज कंजर्वड और नॉट इन बीटा डीके, उस टाइम क्वेश्चन था। तो ये एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बता दिया था कि इज अ कंजर्वड और अ नॉट कंजर्वड। तो आफ्टर दैट वी स्टार्ट द थियोरेटिकल कंसेप्ट। जो स्पेक्ट्रम जो आ रहा है बीटा डीके का, वो डिफ़िकल्ट है टू अंडरस्टैंड, और उसे थियोरेटिकली प्रूव करना भी वेरी डिफ़िकल्ट है। तो उसको कैसे वहाँ पर हम थियोरेटिकली प्रूव करते हैं फर्मी थियरी और वो स्पेक्ट्रम पार्ट जो है, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि ये जो बीटा डीके है और न्यूट्रिनो वहाँ पर एमिशन, न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन और डोटर न्यूक्लियस एमिट हो रहे, तो वीक इंट्रेक्शन से, और वहाँ पर उन्होंने एजम्पशन सब यूज़ करके टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थियरी वहाँ पर यूज़ करके उन्होंने सॉल्व आउट किया है फर्मी ने। और आप देखते हो कि नियरली 1934 में ये थियरी उन्होंने दिया था, और उन्होंने ये पांच एजम्पशन लिए थे जो हमने लास्ट क्लास डिस्कस किए थे, कि उनको डीके एनर्जी उन्होंने कंजर्वेशन कंजर्व्ड रहती है, फिर वो जो एनर्जी शेड हो रहा है वो मोस्टली इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनो, देन द न्यू इज द रेस्ट मास जो लिया है न्यूट्रिनो का वो जीरो लिया है, फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो का जो फील्ड है वो वीक है एज कंपेयर टू द न्यूक्लियंस बाउंड इन द न्यूक्लियस, उससे वेरी वीकर है, तो बीटा डीके का वीक इंट्रेक्शन हम कहते हैं, और टाइम पर्टर्बेशन थियरी वहाँ पर यूज़ किया है। तो ये थियरी को लेके, और उन्होंने ट्रांजिशन रेट, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन रेट है वो यहाँ पे डिफाइन किया, दैट इज़ अ टी डब्ल्यू एफ आई, दिस इज़ द ट्रांजिशन रेट इज गिवन फॉर दिस। तो ट्रांजिशन रेट जो है वहाँ पर वो डिफाइन कर रहे हैं वहाँ पर, as we see the transition rate, okay, so transition rate is given in terms of dwfi which is equal to 2 pi by h cut, aap ye symbol bhi use kar sakte ho, 2 pi by h cut matrix element into density of states, to aapko ye yahan par aap ye keh sakte ho density of states is defined as dn by def, to yahan par aap ye concept leke aap dekh sakte तो कि उन्होंने ये डिस्कस कर लिया था एज द मोस्ट पार्ट। फिर आप देखते हो कि ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते, तो मैट्रिक्स एलिमेंट उन्होंने डिफाइन कर दिया था, हैमिल्टोनियन इंटरेक्शन है, इनिशियल वेव फंक्शन एंड फाइनल वेव फंक्शन इज गिवन बाय दिस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच आई एफ, एंड यूजिंग दैट कंसेप्ट वहां पर वो एनर्जी डिपेंडेंट नहीं है, एंड ड्यू टू नॉट डिपेंड ऑन एनर्जी, वो एनर्जी डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये ज़्यादातर हम कॉन्स्टेंट टर्म ले रहे हैं, दिस विल बी ना कॉन्स्टेंट टर्म एच आई एफ, दैट इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स एलिमेंट, उन्हें जाना जाता है मैट्रिक्स एलिमेंट से जाना जाता है। और फिर डेंसिटी ऑफ स्टेट फंक्शन हमें डिराइव करना है, तो उन्होंने ये पूरा डेरिवेशन टाइम पर्टर्बेशन थियरी यूज करके किया है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स डी एन बाई डी एफ क्या डिफाइन करता है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट फाइनल एनर्जी ई एफ, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हमें कैलकुलेशन करना है विद अ फाइनल एनर्जी ई एफ। तो ये कंसेप्ट लेके हम आगे चल रहे हैं वहाँ पर, एज यू सी एक्सप्रेशन वहाँ पर हमें दिया था,
हमने लिया था फेस पीस, तो फेस पीस क्या रहता है, वन डायमेंशन फेस पीस। तो ये फेस पीस ये बताता है एक्स और पी एक्स का रिलेशन, दिस रिलेशन, पोजीशंस एंड मोमेंटम कैसे चेंज हो रहे हैं, वन डायमेंशन फेस पीस। ओके, एक्स एंड पी एक्स मेजर्ड साइमल्टेनियसली, एक्स एंड पी एक्स जो है वो क्या है, मेजर्ड साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स आप जब लगाते हो तो फेस स्पेस में वो पॉइंट से रिफर होता है, क्वांटम मैकेनिक्स जब आप अप्लाई करता हो तो वो सेल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और दिस इज नथिंग बट अ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो क्या बताता है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो कहता है कि आप पोजीशन एंड मोमेंटम एक साथ वहाँ पर मेजर नहीं कर सकते। और उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, तो डेल्टा एक्स जैसे चेंज होता है उस हिसाब से मोमेंटम चेंज होता है। तो एक बेसिक ये इसका एप्लीकेशन आप देखोगे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो डिफ्रेक्शन में एक बढ़िया सा आप उसे समझ सकते हो कि डिफ्रेक्शन जो होता है वहाँ पर आप जो लाइन लेते हो ग्रेटिंग की, इफ यू टेक अ लाइन ऑफ ग्रेटिंग, ओके, अब ग्रेटिंग में से लाइंस जो रहते हैं, ओके, तो उसका आप ये डेल्टा एक्स है, ओके, तो डेल्टा एक्स जितना कम करोगे, इफ यू कम लेसर कर रहे हो तो मोमेंटम जो है डेल्टा पी एक्स वो बढ़ेगा। ओके, तो दिस इज वन एग्जाम्पल, और ऐसी बेसिक एग्जाम्पल ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। आप एक्सचेंज कर रहे हो मतलब उसकी विथ कम करते जा रहे हो तो मोमेंटम बढ़ता जा रहा है, जो लाइट एनर्जी आ रहा है। तो दैट इज वन एग्जाम्पल ऑफ दिस हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, उसका कुछ ये थियरी से लेना देना नहीं है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि फ्री स्पेस जो है वो आप डिफाइन कर रहे हो विथ अ पर्टिकुलर सेल, सेल को हम वॉल्यूम जो डिफाइन कर रहे हैं एच सिंबल से दे रहे हैं वो फिक्स रहता है। तो आप ये पी और एक्स ये डिफाइन कर रहे हो, वन डायमेंशनल फेज स्पेस इन क्वांटम मैकेनिक्स। और मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स हम यहाँ पर जो कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स दैट कैन बी पुट इन अ वॉल्यूम पी एक्स, कितने नंबर ऑफ सेल्स आएंगे ये वॉल्यूम पी एक्स में, तो उसको कैलकुलेट करना है। तो आपको एन से डिफाइन कर सकते हो, एन इक्वल टू पी इंटू एक्स डिवाइड बाई एच, और एच को आप ये टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो एच इक्वल टू 2 पाई एच कट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स दैट कैन बी पुट इन अ वॉल्यूम पी एक्स, एक वॉल्यूम लेते हो पी एक्स उसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स आएंगे, तो पी एक्स बाई एच कितने नंबर ऑफ सेल्स आएंगे, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स एन से आप डिफाइन कर सकते हो। पी एक्स बाई एच फाइन कर लो, तो पी एक्स का जितना होगा उसमें सपोज 10 है तो पी एक्स बाई 10 करते हो तो उतना आप कह सकते हो कि इतने नंबर ऑफ सेल्स वहां पे आ सकते हैं। ओके, एच इज द वॉल्यूम और पी एक्स जितना है उतना एरिया, तो पी एक्स बाय एच आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ सेल्स उतने वहां पे आ सकते हैं। तो यहाँ पर एन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं द नंबर ऑफ स्टेट्स इन द वॉल्यूम पी एक्स, कितने नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे एन आपको मिल जाएंगे, तो आप कह सकते हो कि इतने नंबर ऑफ स्टेट्स मिलेंगे इन द वॉल्यूम पी एक्स इन अ फेस स्पेस। ओके, तो इन अ थ्री डायमेंशन टर्म हमें लिखना हो तो ये 1/4 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर वन पार्टिकल, एक पार्टिकल के लिए थ्री डायमेंशन लिखना है तो उसे हम डिफाइन कर सकते हैं 1/2 पाई h² होल क्यूब, दिस इंटीग्रेशन d³x इंटू d³p। फिर हम यूनिट वॉल्यूम लेते हैं तो d³x इक्वल टू 1 लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ दैट, और ये हमारा टर्म बन जाता है n1 इक्वल टू दिस टर्म 1/2 पाई h³, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d³p। दैट इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर वन पार्टिकल। अभी ये n1 मतलब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस यू कैन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर वन पार्टिकल। ओके, n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टेट्स, और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फाइंड करना है तो क्या करना होगा आपको, विथ उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एनर्जी। तो दिस डिफाइन एज अ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, तो उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, डी बाई डी आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एनर्जी, और एन वन है नंबर ऑफ स्टेट्स, तो उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए डी बाई डी, और वहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला था ये वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 जो है दैट यू कैन सब्स्टिट्यूट इन योर फॉर्मूला,
यू गेट एन एग्जैक्टली रिजल्ट और उसको आप यहाँ पर देखोगे इफ डी बाई डी, तो डी क्यू पी को आप करोगे तो यू गेट पी स्क्वायर डी पी डी ओमेगा। ओके, तो वहाँ पर आप उसे सॉल्व करते जा रहे हो तो आपको लास्ट ये रिजल्ट इक्वेशन फोर आपको ये फॉर्म में मिल रहा है। अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा सॉलिड एंगल है, 4 पाई है, और डी बाई डी को आपको रिप्रेजेंट करना है दिस डी बाई डी ई। आई टेक अ डिफरेंट कलर। ओके, तो डी बाई डी ई जो आपको ये यहाँ पर ये आपको कैलकुलेशन करना है डी बाई डी ई, तो ये रिलेटिविस्टिक जो रिलेशन है उससे आप कर सकते हो ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी रेस टू फोर, उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हो और आपको ये डी पी बाई डी ई जो मिल जाता है ये टर्म मिल जाता है ई बाई पी सी स्क्वायर, और उसको इस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है दैट यू कैन सब्सटीट्यूट देयर इन इक्वेशन नंबर फोर। वहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, पी स्क्वायर डी पी आप कॉमन ले लीजिए और इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा 4 पाई रख दीजिए, तो आपको सॉल्व आउट करोगे लास्ट ये डी बाई डी का रिलेशन आ गया, ये आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया और इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा है वो 4 पाई है, 4 पाई सब्स्टिट्यूट कर दो और आपको ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स मिल जाता है फॉर सिंगल पार्टिकल, तो 1/2π स्क्वायर एच कट। ओके, जितना होता हमारा यू कनेक्ट एच कट क्यूब ई पी बाई सी स्क्वायर, तो ये हमें टर्म इक्वेशन 5 मिल जाता है दैट इज फॉर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर अ सिंगल पार्टिकल। अभी हमारा जो प्रॉब्लम है बीटा डीके का, उसमें 3 पार्टिकल आ रहे हैं, दैट इज अ वन इज अ प्रोटोन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, प्रोटोन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, तो 3 पार्टिकल है, उसकी मोमेंट ऑफ 2 पार्टिकल अभी हम मोमेंट ऑफ उसकी देखे तो यहाँ पर 3 पार्टिकल से 2 पार्टिकल कैन चेंज इंडिपेंडेंटली 2 पार्टिकल्स एंड द थर्ड पार्टिकल्स विल बी फिक्स, क्योंकि यहाँ पर मोमेंट ऑफ सिस्टम हम उन्हें डिफाइन कर सकते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3 विच इज इक्वल टू 0 फॉर सेंटर मास ऑफ सिस्टम, तो उसी को लेके दो यहाँ पर ऐसे भी हम फिजिक्स भी लगाए तो देख सकते कि इसकी मोमेंट कम होगी वेरी वेरी वेरी, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है प्रोटॉन का कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, तो इनकी मोमेंटम सबसे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो दिस पार्ट, तो वही लेके हम यहाँ पे आगे चल रहे हैं कि तीनों पार्टिकल है तो नंबर ऑफ स्टेट्स इसके लिए हम फिर से डिफाइन कर दें, तो नंबर ऑफ स्टेट फॉर 3 पार्टिकल्स के लिए हम डिफाइन करें, पहले हमने सिंगल पार्टिकल के लिए किया था, अब यहाँ पे मोमेंटम तो 2 ही पार्टिकल का होगा, थर्ड मोमेंटम विल बी फिक्स, तो N3 को हम डिफाइन कर सकते हैं जो सिमिलर हमने सिंगल पार्टिकल के लिए किया था N1, वही सिमिलर वहाँ पे ले रहे, ये जो लिया था इक्वेशन 3 दिस इक्वेशन, उसको N3 में आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप उसी को रिप्रेजेंट कर दीजिए 1/2π h^6 DQP1 DQP2, क्योंकि 2 ही मोमेंटम है एंड थर्ड मोमेंटम इज अ वी कंसिडर एज अ जीरो। अब फिर आप देख सकते हो एनर्जी सेड किसमें है, एनर्जी सेड है इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो के बीच में एनर्जी सेड है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो आप डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फाइंड करना है। अभी हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फाइंड कैसे कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको विथ रेस्पेक्ट टू एनर्जी, तो लिख दीजिए वो सब टर्म, यहाँ पर P1 P2 क्या है तो कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम एंड एंटी न्यूट्रिनो का मोमेंटम, और उसी को लेकर आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो डी क्यू पी ई दैट इज पी स्क्वायर डी पी डी ओमेगा ई एंड पी एंटी न्यूट्रिनो स्क्वायर डी पी एंटी न्यूट्रिनो डी ओमेगा एंटी न्यूट्रिनो। अब एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन एनर्जी आप ग्राफ से देख सकते हो कि दैट इज फ्रॉम चेंजेस फ्रॉम ये एनर्जी है ई टू ई प्लस डी, मतलब चेंज डिफरेंशिएट इन एनर्जी, क्योंकि एनर्जी वहाँ पर हमें डिफरेंस मिल रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी चेंज आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो स्टार्टिंग जो है ये एनर्जी टर्म है और ये दैट विल बी अ कॉन्स्टेंट, आप कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले रहे हो दैट इज कॉन्स्टेंट, और जो डिफरेंस आ रहा है एनर्जी वो आप ऐड करते हो और दूसरे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताते हो। अब हम ये कॉन्स्टेंट लेते हैं यहाँ पर तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा, तो वो आप अप्लाई कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज कॉन्स्टेंट एंड द मोमेंटम इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो अप्लाइंग दिस मोमेंटम कॉन्स्टेंट वो जो कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे आ रहे हैं उसको बाहर ले लीजिए, ये सब पी स्क्वायर डी पी पी एंटी न्यूट्रिनो स्क्वायर वो बाहर आ गए। ओके, और ये जो टर्म बचा डी पी न्यू वो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, उसका डिफरेंशिएट
एंटी न्यूट्रिनो है विथ रेस्पेक्ट टू मैक्सिमम एनर्जी, दिस मैक्सिमम एनर्जी, और डी ओमेगा ही डी ओमेगा एंटी न्यूट्रिनो। तो उसे आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, कल हमने वो देखा यहाँ पर कि भाई हमें जो रिजल्ट्स आ रहा है वो हमने कैसे ये वैल्यूज फाइंड किए, हमें ये वैल्यू फाइंड करना था, दिस वैल्यू। ओके, तो हमने ये वहाँ पर कैसे फाइंड किया, ई मैक्सिमम जो है वो कैसे दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। तो रेस मास ऑफ न्यूट्रिनो इज जीरो है, तो हम लिख सकते हैं वहाँ ये रिलेशंस आप कर सकते हो, ई स्क्वायर रिलेटिविस्टिक रिलेशन, पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम जीरो स्क्वायर सी रेस टू फोर। यहाँ पर आप न्यूट्रिनो है एंटी न्यूट्रिनो स्क्वायर विच इज इक्वल टू दिस पी न्यू स्क्वायर एंटी न्यूट्रिनो सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी रेस टू फोर। ये तो जीरो है, रेस मास ऑफ न्यूट्रिनो इज जीरो, जीरो लगा दो तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा, दिस रिलेशन, स्क्वायर चला जाएगा तो आपको ये टर्म मिलेगा। बुक में ये डायरेक्टली दिया है तो आप समझ सकते हो कहाँ से लाया, और आपको पी एंटी न्यूट्रिनो ऐसे डिफाइन कर सकते हो वन बाई सी दिस एनर्जी फॉर एंटी न्यूट्रिनो। तो आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और उसको आप यहाँ पे देखोगे इफ़ यू डिफ्रेंशिएट। ओके, ये आप टर्म देखो, इसको आप ई मैक्सिमम तो आप ये फॉर्म में लिख सकते हो, और यहाँ पर डिफरेंशिएट है विथ रेस्पेक्ट टू ई मैक्सिमम, तो ई एंटी न्यूट्रिनो को आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दैट इज ई मैक्सिमम माइनस इलेक्ट्रॉन एनर्जी, तो आपको ये न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो का एनर्जी मिल जाता है। उसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो उसकी वैल्यू आपको जो मिलेगी दैट विल बी ई मैक्सिमम माइनस इलेक्ट्रॉन सम वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू और उसका सम एनर्जी ऑफ दैट। तो उसको एनर्जी मैक्सिमम से आप डिफरेंशिएट करोगे तो कॉन्स्टेंट वन आएगा और आपको ये रिजल्ट मिलेगा वन बाई सी। तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो वन बाई सी आपको वैल्यू मिलेगा, दिस वैल्यू आपको वन बाई सी। ओके, तो वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और फिर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए वहाँ पर, यू सिंप्लीफाई दैट पार्ट। तो उसको सब्स्टिट्यूट करने से आफ्टर वी सिंप्लीफाई, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये वैल्यू थोड़ा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन में हमें यूज़ करना है। तो पी एंटी न्यूट्रिनो स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको पूरा ये टर्म मिल जाता है। ओके, और इंटीग्रेशन के जो दो वैल्यू है फोर पाई वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको ये पूरा एक रिलेशन आपको मिल जाता है। यहाँ पर ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फॉर बीटा डीके ये मिल जाता है। और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर सकते हो। फिर मैंने कल ये बताया था आपको स्टूडेंट्स कि वहाँ पर एक टर्म जो मिसिंग टर्म था वो फिर से फर्मिनेट किया था, वो कुलम टर्म इफेक्ट। तो ये टर्म भी डिपेंडेंट है, दैट इज डिपेंड ऑन जेड एंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी। तो आप यहाँ पर ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फॉर डी बीटा डी के मिल जाता है, ये टर्म कॉन्स्टेंट रहता है, ये आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, रू ई जो है वो यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है इन दिस टर्म, यू कैन सब्स्टिट्यूट। और ये फंक्शन भी आप ऐड कर दीजिए यहाँ पर इस इक्वेशन में, यू कैन ऐड दिस फंक्शन हियर। ओके, तो आपको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी रेट फॉर बीटा डी के पूरा मिल जाता है। फिर ये मैंने बताया था कि फर्मी क्यूरी प्लॉट थोड़ा उनके लिए भी आप डिस्कस कर लेते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको आइडिया क्लियर हो चुका होगा। मैंने कल बताया था कि एक बार आप रिफर करना तो यू गेटिंग सम गुड आइडिया कि किसे फर्मी ने वहाँ पर कैसे डिराइव किया है और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स लेके उन्होंने और एजम्पशंस जो लिए उनके बेस पे उन्होंने डेरिवेशन किया है। तो बाय अप्लाइंग दैट एजम्पशन एंड दैट डेरिवेशन पार्ट वी गेट द लास्ट रिलेशन दिस। ओके, तो उसे हम एक बार फिर से लिख देते दैट द व्हाट वी गेट द फंक्शन जो ट्रांजिशन लेट मिल रहा है डी डब्ल्यू एफ आई फाइनल टू इनिशियल, और जो टर्म आपका बच रहा है वो लिख दो, और जो लास्ट रिलेशन हमें मिलेगा दैट इज टू पाई क्यूब एच कट रेस टू सेवन सी क्यूब, और जो वहाँ पर मैट्रिक्स एलिमेंट है एच आई एफ स्क्वायर उसको आप डिराक नोटेशन में भी लिख सकते हो, फाइनल टू हैमिल्टोनियन ऑपरेटर टू इनिशियल कंप्लीशन डिराक नोटेशन मैट्रिक्स एलिमेंट का स्क्वायर, और वहाँ पर जो फंक्शन लिया है फर्मी फंक्शन कुलूम इंट्रेक्शन जेड कोमा इलेक्ट्रॉन एनर्जी, देन यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ई स्क्वायर जो भी टर्म वहाँ पे था यू कैन प्रेफर ये फंक्शंस।
दैट इज पी स्क्वायर डी पी ई मैक्सिमम माइनस इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्क्वायर, वो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वही इक्वेशन है, कुछ हम नया नहीं लिख रहे हैं। ई मैक्सिमम माइनस इलेक्ट्रॉन एनर्जी उसका स्क्वायर एंड ई, ये आपका ट्रांजिशन रेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, ये फाइनल आप कह सकते हो डेरिवेशन उनका। अब ये जो वैल्यू रहती है ना एफ जेड इलेक्ट्रॉन एनर्जी, वो डिपेंड करता है जेड आप कैसे लेते हो। ओके, मैंने कल बताया था कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एमिट होते हैं, और कूलम्ब इफेक्ट क्या रहता है, जब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो वहाँ पर न्यूक्लियस से जब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, एज यू सी आई विड्रॉ हियर कि हमारा न्यूक्लियस है। ओके, और वहाँ से अभी इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, तो उसको कौन सा फोर्स लगेगा, दैट इलेक्ट्रॉन एक्सप्रेस अ विच फोर्स, यहाँ पर कूलम्बिक अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और सपोज बीटा डी के हो रहा है, बीटा प्लस आ रहा है, ई प्लस, तो उसे लगेगा रिपल्सिव फोर्स। अब एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स आ रहा है, अभी कूलम इंट्रेक्शन है वहां पर, तो उसी बेस पे ये जो फर्मी फंक्शन है, इसे फर्मी फंक्शन कहते हैं, एफ ऑफ जेड इलेक्ट्रॉन एनर्जी, दैट इज नथिंग बट अ फर्मी फंक्शंस। अब ये फर्मी फंक्शंस डिपेंड ऑन कैपिटल, उसे एफ से डिफाइन करते हैं, सिंपल कैपिटल एफ भी आप कह सकते हो। इट्स साइन चेंजेस डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, उसके साइन जो डिपेंड करता है, या तो पॉजिट्रॉन एमिटर हो रहा है या तो इलेक्ट्रॉन एमिटर हो रहा है। तो हम देखते हैं वहां पर दो है, दैट इज फर्मी फंक्शन, एटॉमिक नंबर जेड एंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी ई, तो वो वेरिएशन रहता है एफ जो है, दैट इज डिपेंड, यहाँ पर हम उन्हें लिख सकते हैं, ये डिपेंड ऑन बोथ, दिस एफ इज डिपेंड ऑन जेड एंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इन दोनों पर डिपेंड करता है। तो अभी वहां पर उसके लिए दिया है कि जेड इज टेकन ए नेगेटिव, जेड इज टेकन एज ए नेगेटिव टर्म फॉर दी, किसके लिए वहां पर रहेगा, फॉर पॉजिट्रॉन एमिटर, जब पॉजिट्रॉन एमिटर हो रहे या बीटा प्लस का है वहां पर, बीटा प्लस एमिटर, एंड जेड इज टेकन एज ए पॉजिटिव, ओके, फॉर बीटा माइनस एमिटर्स, ये यहाँ पे दिया है उनके कंसेप्ट। ओके, तो ये आप वैल्यूज वहाँ पर यूज कर सकते हो, और वहाँ पर और एक कंसेप्ट दिया है कि लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन से, ओके, तो वहाँ पर मोस्टली फेवरेबल ऑफ पॉजिट्रॉन एमिटर ज़्यादा रहते हैं, एंड फॉर जेड इक्वल टू जीरो, एक ये कंसेप्ट भी आपको देखना है, जेड इक्वल टू जीरो होगा तब ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड फर्मी फंक्शन विथ इलेक्ट्रॉन एनर्जी विच इज इक्वल टू वन। ओके, तो ये कंसेप्ट को लेके हमें एक ग्राफ भी यहाँ पे दिया है, जो मैंने नीचे एक ग्राफ यहाँ पे रखा है, बुक का ही रिलेशन दिया है, जैसे एफ दिया है ऑन दिस वाई एक्सिस एज गिवन एज एफ, एंड ऑन एक्स एक्सिस एनर्जी फॉर दैट इलेक्ट्रॉन ई, तो फंक्शन, और यहाँ पर जेड डिपेंडेंट टर्म है आप देख सकते हो। ओके, तो आप देखिए कि यहाँ पर आप जेड डिपेंडेंट टर्म को आप ले लीजिए और उसे आप देखोगे, तो यहाँ पर आप उसे देखोगे कि जेड इक्वल टू जीरो है तो फर्मी फंक्शन वन मिल रहा है, जेड नेगेटिव आ रहा है, जेड नेगेटिव पार्ट, फर्मी फंक्शन वेरी वेरी लेसर, तो उसकी ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखती, दैट इज लेस देन वन से वहाँ पर, जीरो और वन के बीच में वहाँ पर उसका रिलेशन आ गया। ओके, विद पर्टिकुलर एनर्जी, आप कौन सी एनर्जी ले रहे हो उस हिसाब से ये वेरिएशन आ रहा है। अब जेड आप देखोगे कि हायर वैल्यू ले रहे हो, 27, 51, 82 यहाँ पर, तो जेड फंक्शन फर्मी फंक्शन इस तरह से वेरी कर रहा है, एज यू सी फॉर जेड इक्वल टू 27। ओके, तो आप देखते हो कि इसका वेरिएशन इस तरह से आ रहा है, 3 से 82, इफ हायर नंबर ऑफ जेड और पॉजिटिव तो उसकी वैल्यू आ रही है 8। तो ये वहाँ पर एक प्लॉटिंग किया गया जो फर्मी फंक्शंस कूलम इंटरेक्शन पे वो डिपेंड करता है, और जेड और इलेक्ट्रॉन एनर्जी की वैल्यू क्या है उसी बेस पे ये प्लॉटिंग दिया है। तो यहाँ पर लिखा ही है डिपेंडेंस ऑफ फर्मी फंक्शन एफ
ऑन जेड एंड ई, ये दोनों पर डिपेंड करता है, जेड की वैल्यू कैसी है और इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैसा है, उस हिसाब से आपको एफ थियोरेटिकली आपको वहाँ पर इंक्लूड करना होगा। तो ये कंसेप्ट लेके फिर उन्होंने आगे एक और वहाँ पर रिलेशन लिया है, वो रिलेशन हम देख लेते हैं कि एज यू सी दिस टर्म जो हमने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी रेट फाइंड किया, उसको ये फॉर्म में लिख देते हैं डी डब्ल्यू एफ आई, और जो फर्मी फंक्शन है उससे डिवाइड कर देते ई स्क्वायर मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन उसका स्क्वायर विद चेंज इन मोमेंटम डी पी ई, और उसे स्क्वायर रूट में लिख देते पूरे ये टर्म को 1/2, और जो कांस्टेंट टर्म है ये इक्वेशन, यही इक्वेशन को उसे लिख रहे हैं, ये इससे डिवाइड कर देते फर्मी फंक्शन पी स्क्वायर डी पी, और जो बचेगा कौन सा टर्म, तो ये कांस्टेंट टर्म बचता है, तो ये कांस्टेंट टर्म, ओके, फिर मैट्रिक्स एलिमेंट और ये टर्म बच रहे हैं। यहाँ पे कौन कौन से टर्म बचते हैं, तो एक तो ये टर्म बच रहा है आपका प्लस टर्म, फिर आपका ये टर्म बचेगा और ये टर्म बचेगा, तो उसे लिख दीजिए जो वहाँ पर आप रिलेशंस है, यू कैन राइट दैट रिलेशन। तो जो टर्म हमारा बच रहा है वहाँ पर वो आप लिख दीजिए, एक तो कॉन्स्टेंट टर्म बचेगा तो कॉन्स्टेंट में लिख देता हूँ, ओके। देन मैट्रिक्स एलिमेंट आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो, फाइनल टू हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इनिशियल वेव फंक्शन उसका स्क्वायर, और यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट किया है तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आएगा 1/2, और ई मैक्सिमम माइनस इलेक्ट्रॉन एनर्जी उसका भी स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लिख सकते हो या तो उसको रूट कर देते हो, तो ये सिंपल इतना रहेगा। तो बुक में इस तरह से रिलेशन दिया है, ये आप देख सकते हो इस रिलेशन, और उसी के बेस पे यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया है, ये फंक्शन को एक प्लॉट किया है और उसको ये जो फंक्शन है ये दिस फंक्शन उसको फर्मी क्यूरी इज कॉल्ड द क्यूरी फंक्शन के, तो उसको के से डिफाइन कर दिया है, और के इक्वल टू दिस फंक्शन डी डब्ल्यू एफ आई डिवाइड बाय एफ पी स्क्वायर डी पी ई स्क्वायर रूट ऑफ हाफ, ओके। अब ये स्क्वायर रूट में है और उसको आप फ्लोटिंग देखोगे तो के जो है, ओके, क्यूरी फंक्शन और इलेक्ट्रॉन एनर्जी उसका फ्लोटिंग करोगे, इसको के से नाम देते हैं, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी के वर्सेस ई का आप ग्राफ फ्लोट करोगे इलेक्ट्रॉन एनर्जी, यू गेट सम रिजल्ट्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पर क्या है कि हमें जो मेजरमेंट करना है तो बीटा पार्टिकल्स तो गाइगर काउंटर से करेंगे, और एनर्जी और मोमेंटम इंटरवल है वो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोग्राफ यूज़ कर रहे हैं बीटा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए, एक्सपेरिमेंटल भी यहाँ पर यूज़ करना ही होगा आपको, वो गाइगर काउंटर यू कैन यूज़ फॉर टू डिटेक्ट बीटा पार्टिकल, एंड फॉर टू एनर्जी एंड द मोमेंटम, ओके, एनर्जी एंड मोमेंटम इंटरवल वो आप किससे कर सकते हो, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो ये एक्सपेरिमेंटल बेस का रिजल्ट आपको यूज़ करना होगा एंड दैट यू कैन कैलकुलेट मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो आप देखोगे कि यहाँ पर उसके प्लॉट भी दिए गए, तीन प्लॉट दिए हैं, क्यूरी प्लॉट इज फाउंड टू बी स्ट्रेट लाइन एंड अ वाइड एनर्जी रेंज, क्यूरी प्लॉट आप देखोगे तो स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, और यहाँ पर तीन क्यूरी प्लॉट जो दिया है वो मैंने यहाँ पे नीचे आपके दिया है फोटोज में, थ्री प्लॉट्स दिए, एक तो फर्स्ट क्यूरी प्लॉट फंक्शन के वर्सेस इलेक्ट्रॉन एनर्जी, सेकंड बी एंड द थर्ड सी, ओके। जो फर्स्ट क्यूरी प्लॉट है वो न्यूट्रॉन डीके के लिए, फर्स्ट ये ए वाला जो है वो स्ट्रीट लाइन इस तरह से मिल रही है कि 800 MeV किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी, और ये क्यूरी फंक्शन आप देखोगे तो इस तरह से कुछ मिल रहा है, और यहाँ पर उसके पार्टिकल्स देखो ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन के आसपास ही मिल रहा है, ये स्ट्रेट लाइन के आसपास, और पार्टिकल्स भी उसी स्ट्रेट लाइन में ही मिल रहे हैं। लेकिन अब ये सेकेंड जो बी दिया है, बी इज गिवन फॉर, यू कैन रेफर दिस, क्यूरी फ्लोट फ्लोर जो ट्रीशियम है H13 उसके लिए दिया है, तो आप देखोगे कि 14 to 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है,
और क्यूरी फंक्शंस दिए, तो आप देखोगे कि नियरली स्लाइटली उनके पॉइंट्स आसपास आसपास इसमें मैच हो रहे हैं। ये 0 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी आ रहा है उनका, ये प्लॉटिंग किया है बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला, क्यूरी फंक्शंस वर्सेस एनर्जी, ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी उनको, और उसे प्लॉटिंग किया है, तो उसके रिजल्ट ये दिए। और कोबाल्ट 60 के लिए दिया यहाँ पर फर्मी क्यूरी प्लॉट, तो उसमें आप देखोगे कि थोड़े लाइंस पे पॉइंट्स आ रहे हैं और थोड़े यहाँ पर भी आपको मिल रहे हैं, तो ऐसा नेचर बीटा डीके के लिए कोबाल्ट 60 जो हमने स्टार्टिंग में देखा था उसका स्पेक्ट्रम, तो इस तरह से मिल रहा है एक्यूरेसी दैट। तो यहाँ पर आप उन्हें इस तरह से प्रिफर कर सकते हो, क्या जो क्यूरी प्लॉट है और क्यूरी फंक्शन है उसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी पे ग्राफ का नेचर यहाँ पर दिया है, वो एक्सपेरिमेंटल एज वेल एज अ थियोरेटिकल रिजल्ट यूज करके वहाँ पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये मोस्टली यहाँ पर हमारा ये 2-3 सेशंस में हमने ये डिस्कस कर लिया फर्मी थियोरी ऑफ बीटा डीके। इफ स्टूडेंट्स यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? तो आज हमने रिवीजन भी सेशन देख लिया कि कल हमने क्या डिस्कस किया था, और मुझे ये थोड़ा फ्लोटिंग के बारे में बताना था, तो एक बार आप रेफर करोगे तो यू गोट सर मोर आइडियाज कि कैसे फर्मी ने उतना इनपुट दिया और सॉल्व किया। आप चाहे तो उनके रिसर्च पेपर भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, 1934 में पब्लिश किया था वो पेपर, एंड यू कैन रेफर ऑल्सो अदर रिसर्च पेपर फॉर दिस डेरिवेशन। उन्होंने भी कई सारे कंसेप्ट दूसरे पेपर से भी यूज़ किए होंगे, तो आप रेफर कर सकते हो इफ़ यू हैज इंटरेस्ट। यहाँ वो इसके बाद दिया है जो लाइफ टाइम ऑफ बीटा डी के, उतना इसमें डेरिवेशन पार्ट नहीं दिया और आप इतना इजीली समझ नहीं सकते हो, बट इफ़ यू वांट टू रेफर दैट रेफर यू कैन वे। और एक सिलेक्शन रूल फॉर बीटा डी के दिया है, तो अलाउड ट्रांजिशन कब है, कब हो सकता है, नॉट अलाउड ट्रांजिशन कब है, तो उसके लिए एक सिंपल रूल दिए वहाँ पर, 2 रूल दे दिए, फर्मी सिलेक्शन रूल एंड गैमो टेलर सिलेक्शन रूल। तो यू कैन रेफर दैट वंस अगेन, एक बार आप उन्हें रेफर कर लेना सिलेक्शन रूल, इफ़ यू वांट सम आइडियाज तो हम नेक्स्ट सेशन में उसको डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर बीटा डी के काम ने अभी डिस्कशन हो चुका है, सिलेक्शन रूल आप एक बार पढ़ना उनके रिलेटेड, और गामा एमिशंस में हमें अभी जो कुछ डिस्कस करना है वो नेक्स्ट क्लासेस वी डिस्कस ऑन द गामा एमिशन। ओके, तो मोस्टली यहाँ पर हमारा कंसेप्ट बीटा डी के सब टॉपिक्स डिस्कस हो चुके हैं। इफ एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। ओके, अभी आपके साइड ओपन है, ओपन फॉर योर सेशन, आप कुछ चाहे तो पूछ सकते हो रिलेटेड टू बीटा डी के कंसेप्ट और अल्फा डी के, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। ओके, तो आई होप के आपको समझ आया होगा, एक बार पढ़ना स्टूडेंट्स टाइम निकाल के, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली अभी सर बता रहे हैं कि मिड सेम अक्टूबर 1st वीक का टेंटेटिव डेट आ रहा है, तो जैसे कुछ टाइम टेबल आ जाएगा आई विल फॉरवर्ड टू यू। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये अल्फा बीटा आप एक बार पढ़िए, और उनमें कभी भी डाउट्स हो कुछ तो आप पूछ सकते हो। ओके,